आज का व्लॉग आफिया सिद्दीकी के नाम पे है। अल्लाह ताला आफिया बेटी को खैर आफियत से रखे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्त मेरे तमाम फ्रेंड्स खैर खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा नाम उबैदुर्रहमान है, मेरा यूट्यूब चैनल उबैदुर्रहमान अली के टी वी चैनल। तो जी जनाब, आज मैं दुख से थोड़ा न्यूज़ देखी है, बहुत परेशानी हुई है कि पाकिस्तान में आजकल जो रूटीन चल रही है कि सियासतदानों के पीछे तो हर कोई भाग रहा है, सियासतदानों के लिए तो आवाज़ें उठा रहे हैं, सियासतदानों के पीछे पीछे भागते हैं कि ये सियासतदान है, ये हमें बचाएगा, ये हमें रोटी रोज़ी देगा। रोटी रोज़ी अल्लाह देता है। तो आज मुझे दुख किस बात का हुआ है? दुख इस बात का हुआ है आफिया सिद्दीकी 20 साल से कैद में है, तो उस बेचारी का क्या गुनाह है? सियासतदानों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं लेकिन आफिया सिद्दीकी के लिए कोई नहीं, आफिया सिद्दीकी के लिए कोई नहीं। सियासत इमरान खान के लिए आवाज़ उठाओ, नवाज शरीफ के लिए आवाज़ उठाते हो, आफिया सिद्दीकी के लिए नहीं। जो मसीह भाग गई थी उसके लिए नहीं, जो तुम्हारे मुल्क के लिए मुहाफिज़ थी उसके लिए नहीं। आज उसकी बहन को मैंने रोते हुए देखा है तो बहुत दुख हुआ है कि ये कितना गम है, ये कितना गम की बात है कि आफिया सिद्दीकी जेल में है, बहन की मुलाकात नहीं कराने दी। तो मेरे भाइयों, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप आवाज़ उठाएं आफिया सिद्दीकी के लिए। अगरचे आप मुसलमान हैं, हकीकी मुसलमान हैं, कलमा पढ़ते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह का, तो मेरा यही कहना है कि आप उठो, आवाज़ उठाओ आफिया सिद्दीकी के लिए, आवाज़ उठाओ। आज उसकी बहन को, बहन ने बताया कि अम्मी फौत हो गई थी, उसको पता भी नहीं था। तो बताओ क्या उसकी आफिया सिद्दीकी की ज़िंदगी होगी, क्या उसकी रहन सहन होगा जेल के अंदर? तो ये जमीयत उलमा इस्लाम ने बहुत मेहनत की है, मेहनत के बाद जो रंग मिला है मुलाकात का। तो अभी भी मैं उम्मीद रखता हूँ जमीयत उलमा इस्लाम इंशाल्लाह उसको रिहा कराएगा, लेकिन मैं मुश्ताक अहमद ख़ान साहब का बहुत बहुत मशकूर हूँ कि जिन्होंने ये वक्त अमेरिका से मांगा और इस बच्ची की हौसला अफजाई के लिए बच्ची की मुलाकात करवाई। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद।